नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नोटा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से सबका रिहाज चल रहा होगा हमेशा की तरह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं दादरा में, जैसे कि आप स्टार्टिंग में जैसे छोटा सा टुकड़ा लगा सकते हैं या फिर छोटी छोटी तिहाइयाँ जो बीच में यूज़ की जाती हैं अक्सर, तो उसके लिए काफ़ी रिक्वेस्ट आप लोगों की आती रहती है। तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपने वीडियो कंप्लीट देखना है, हो सकता है ये आपके काम आए। अगर आप बजाते हैं लगातार तो आप बीच बीच में संगत करते टाइम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं बहुत सारे लेसन पहले भी अपलोड कर चुका हूँ, कई तिहाइयाँ मैंने बताई हैं उसमें, ठीक है, जो कि आपने वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं वीडियो पिछले वाले, और ये भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको दादरा की प्लेलिस्ट पर जाना होगा, जो कि आप जैसे चैनल के होम पेज पर जाते हैं वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ नीचे आप जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पर दादरा ताल के लेसन डले हुए होंगे, तो वो आप देख सकते हैं। कई सारे वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाते हैं, उनको आप देख के सीख सकते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे कि आप दादरा बजा रहे हैं तो या तो स्टार्टिंग में छोटा सा उठान आप ले सकते हैं, जो कि मैं इसमें बताने वाला हूँ आपको। उसके बोल हैं दिन, 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 तिरिके, तक, तक, तिरिके, ठीक है। शुरू वाला है दिन तिरकिट तक तक तिरकिट, इसमें देखना है कि तक तक किस तरीके से बजाना है। दिन जो है ऐसे खुला हम बजा सकते हैं, यहाँ से जैसे तू बजाते हैं या ऐसा भी बजा सकते हैं, इसके साथ ये को ऐड करेंगे, ठीक है। दिन ऐसे दिन फिर तिरकिट, दिन तिरकिट, उसके बाद है तक 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 तिरकिट। तो तक तक कैसे बजा रहे हैं, पहली उंगली से बजा रहे हैं ता और यहाँ से का, उसके बाद इन दोनों उंगलियों से फिर ता बजा रहे हैं फिर का, यानी कि तक तक उल्टा बज रहा है, तक तक ये वाला तक तक बज रहा है, ना कि ये वाला बज रहा है, ना बाहर वाला बजाना है, तक 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 ऐसे वाला, ठीक है। दिन तेरकेट तक तक तेरकेट, पहले इतना बजाना है, उसके बाद है तक तक तेरकेट धा, तक तक तेरकेट धा, तक तक तेरकेट धा, तीन तीन ऐसे बजेगा। लेकिन इसको पहले समझना है, अगर समझ पहले गए आप बजाना बहुत आसान है। फिर दिन दिन ऐसा बजाया, उसके बाद है तिरकिट, दिन तिरकिट तक तक तिरकिट, पहले इतना बजाना है दिन तिरकिट तक तक तिरकिट, ठीक है। दिन तिरकिट तक तक तिरकिट, इतना बजाना केवल, दिन तिरकिट तक तक तिरकिट, दिन तिरकिट, दिन तिरकिट तक तक तिरकिट, तक तक तिरकिट धा, तक तक तिरकिट धा, तक तक तिरकिट धा, इस तरीके से दिन तिरकिट तक तक तिरकिट, इतना बजा दिया। उसके बाद है तक तक तिरकिट धा, तक तक तिरकिट धा, तक तक तिरकिट धा। कहने का मतलब यह है, इसमें जो केवल बाकी बहुत आसान बोले जो कि पहले आपको कई बार मैंने बताए हैं, इसमें जो तक तक जो हम बजाएंगे वो बजाएंगे हम ऐसे, पहले इंडेक्स फिंगर से ता बजाना है स्याही के ऊपर, फिर यहाँ से का बजाना है बीच साइड से, ठीक है। तक हो गया, फिर दूसरा वाला तक कैसे बजाना है, ठीक है, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर का यूज करना है, यानी कि दूसरी तीसरी उंगली को स्याही के ऊपर बजाना है, यहाँ से ता और फिर यहाँ से का, का का साउंड यहीं से आएगा बेस से का, ठीक है, इस तरीके से का। तो तक 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 जो है ऐसे बजेगा, बाकी तो आपको पता ही है त्रिकेट कैसे बजाया जाता है, धा ना ता, ठीक है, ये सब पता है आपको। तो तक तक तिरकिट धा, तक तक तिरकिट धा, तक तक तिरकिट धा, ठीक है, इस तरीके से। एक बार लास्ट टाइम फिर से देखें बिल्कुल स्लो में, दिन तिरकिट, ठीक है, तक तक तिरकिट, ठीक है, तक तक तिरकिट, ये हो गया दिन तिरकिट तक तक तिरकिट, या तक तक तिरकिट पे रोक दिया, उसके बाद है तक तक तिरकिट धा, तक तक तिरकिट धा, तक तक तिरकिट धा, बहुत आसान है, ज्यादा हार्ड नहीं, जैसे बोल लिखे हैं वैसे बजा सकते हैं। यूज कैसे करना है, दिन तक तक तिरकिट धा, देखिए होता क्या है, जब आपको बोलना आ जाएगा, काउंट करना आ जाएगा, तो आपका कोई भी बोल गाने से मिसमैच नहीं हो सकता, वो बिल्कुल मैच होगा। ऐसा नहीं कि गाना अलग चल रहा है या मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, वो अलग चल रहा है, आप अलग चल रहे हैं,
क्योंकि उसको बोलने का तरीका है, इसीलिए तो सबसे पहले जब कोई बोल में देता हूँ उसको बोलता हूँ कि आप पहले उसको याद करें, मुंह से बोलते रहें, दिमाग में बिठाएं उसको कैसे, क्योंकि अगर आपके माइंड में बोल आ गया कि उसका चलन कैसा है, उसको बजाना कैसा है, मुंह पे भी आ गया बजने के साथ साथ, तो आप बोल बोल के प्रैक्टिस होगी तो आपकी बोलने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी बोलों को, ठीक है। उसके बाद तबले पर बजाना आसान हो जाता है, केवल फिर फिजिकली मेहनत हमें चाहिए कि हमारे हाथ थोड़ा सही से चलते रहे, बाकी क्योंकि माइंड में रहेगा तभी हम हाथों से अच्छे से उसको बजा सकते हैं। सपोज हमारे हाथों में बहुत अच्छी स्पीड है लेकिन माइंड में ना तो लय है, ना हमें सेंस है बजाने का कि कहाँ पर क्या चीज़ बजानी है, तो वो सब हमारा मतलब बेकार है, हमारे लिए व्यर्थ है, वो किसी काम का नहीं है फिर। तो आप अगर उसका यूज़ सही करें, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने बोल बोल के प्रैक्टिस किया है, तो इसलिए मैं साथ साथ बजा भी रहा हूँ, इसीलिए आपको भी बोलता हूँ कि साथ साथ बोल बोल के प्रैक्टिस करें, ठीक है। इस तरीके से बजाना है, अब ये तिहाई में और आपको बता देता हूँ, इसकी बोले ता ता केड़ ता 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 केड़ ता धा ता घेड़ धा धा। इसमें जो दो धा आ रहे हैं, एक नकली धा जिसे बोलते हैं, एक असली धा। नकली धा मतलब लास्ट में आएगा तत किड़ता दत गिड़ धा धा, यहाँ सम आएगा। एक धा मतलब पहले आ जाएगा, सम से पहले, वो सम नहीं होगा। तत किड़ता दत गिड़ धा धा, तीन तीन, बहुत अच्छी तिहाई है। मतलब इसमें एक असली सम और एक नकली सम इसमें होता है, तो मतलब जो नकली सम होगा वो एक धा मतलब पहले आ जाएगा, तो वो असली सम नहीं होगा, उसके बाद आपको दूसरा धा लेके वो सम होगा, ठीक है। जैसे कि बोल लिखे में तत किटता धत गिड़ धा धा, तो ये वो वाला धा सम नहीं है जो लिखा हुआ है, दूसरा जो धा आएगा वो सम होगा, ठीक है। बताता हूँ बिल्कुल स्लो में, ध्यान से देखें, अच्छा तथा केड़ धा भी ले सकते हैं और ता भी ले सकते हैं, यहाँ पर कोई बंदिश नहीं है कि ता ही लेना है, ये सब यहाँ पे प्रैक्टिस है। अगर सिंपल लेंगे तो ऐसे लेंगे, बहुत अच्छी थी ये, मैं बहुत ज्यादा इसका यूज करता हूँ जब भी कहीं प्रोग्राम में मुझे बजाना होता है, ठीक है। देखें ताता किट जो भी है, ये की सेम ही बजाया जाता है, ठीक है। ताता किट तो आप लोग बजाते हैं पहले से, ताता किट के बाद जो ता आएगा उसके साथ का यूज करना है, ठीक है, ध्यान देना है। दो बार यूज होगा, दो बार सेम चीज रिपीट होगी, ता किट ता, दो बार तो ऐसे बजाए, उसके बाद ताता किट ता, फिर आएगा धाता घेड़, तो धाता घेड़ कैसे बजाना, धा को स्लिप किया, धा ता गे, तो यहाँ इस गे और जैसे ता बजाते वैसे, तो ये धाता घेड़ बन जाएगा, ठीक है। धा ता घे धा, लास्ट में धा आएगा और उसके बाद फिर धाता तीन ता धुन, एक बार फिर से देखेंगे, ताता केट ता है ना, ऐसे बजाना है। देखिए फिर ता, फिर से ता, उसके बाद फिर धा, स्लो में बता रहा हूँ, ठीक है। धा स्लिप किया हमने, धा इन दोनों उंगलियों से, ठीक है, धा और यहाँ से ता बजाया, धा, उसके बाद है ता, फिर इंडेक्स फिंगर से ऐसे गे गे, यहाँ से ऐसे बजाया गे, हड़ा यहाँ से गे धा, ऐसे धा ता घेड़ धा, फिर ये समझ धा तिन तिन नक तिन तिन, ठीक है। अच्छी तिहाई है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दोबारा से बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं लेसन अपलोड करने, जैसे कि ढोलक के और तबले के दोबारा से स्टार्टिंग से, क्योंकि कुछ जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको तरीके से सीखने के लिए कोई प्लेलिस्ट नहीं बनी हुई है, क्या वो अगर लेसन वन से टू थ्री है ना इस तरीके से अगर देखना चाहें तो वो कोई नहीं, मतलब इस तरीके से वीडियो अपलोड नहीं है। तो अब मैं इसी तरीके से वीडियो अपलोड करने वाला हूँ कि अगर एक बिल्कुल जीरो लेवल का भी स्टूडेंट अगर आता है
यहाँ पर देखने के लिए, वीडियोस सीखने के लिए, तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको ये पता लग जाए कि हाँ स्टार्टिंग से इस तरीके से देखना है और ऐसे ही हमें प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिल्कुल जीरो से लेके उसमें सभी लेसन रहेंगे, तो आपको स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए वो मिल जाएगा, जो कि बहुत आसान है और इससे आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। ठीक है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें, उससे आने वाले सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल पाएगी। ठीक है, ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, जैसे कि आपने नंबर देखा साइड में, या तो फिर कॉल कर सकते हैं। जो भी मतलब फीस है या फिर जो भी प्रोसीजर है क्लास लेने का, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।